पंजाबी सिंगर और एक्टर जस्सी गिल ने अल्लावी नाम का एक सॉन्ग लॉन्च किया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सॉन्ग के शूट और लोकेशन के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा गाना है ये बोलना चाहूँगा। आप सुनिए, जाके सुनेंगे तो आपको फील हुआ कि किस तरीके से अच्छा है। क्योंकि जब मैंने ये गाना बनाया था तो मैंने स्पेशल ये अपने इंस्टा पे शेयर किया था कि एक सोलफुल मेलोडी बनी है जो आप दिल से फील करोगे, जो आपकी सोल को टच करेगी। और मैं शुरू से ऐसे गाने सुन के इस इंडस्ट्री में आया हूँ और ऐसे गाने गा गा के मैंने गाना सीखा है। तो मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि मेरे उस टाइप का गाना है जो मैं गाने सुनता आया हूँ और जैसी मेलोडीज़ मैं गाता आया हूँ पहले, तो इसलिए स्पेशल है ये गाना मेरे लिए। ओके, हमने हमेशा देखा है कि मतलब जस्सी गिल का गाना है तो मतलब एकदम डांसिंग फ्लोर वाला है, डांस वाला। ये गाने की अगर बात करते हो तो ये गाना एक अलग फील देता है हमको, एक अलग फ्लेवर देखने को मिलता है जस्सी गिल का। इसके पीछे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बताना चाहूँगा। मैंने शुरू किया था ऐसे गानों से, जो ऐसे मेरा सबसे पहला जो हिट था लेंसर, वो एक ऐसी मेलोडी थी वो आज भी अगर आप जाके सुनो यूट्यूब पे तो उसको उसकी जो मिठास है आपको आज भी उतनी अच्छी लगेगी। तो धीरे धीरे क्या था कि वो गाना करने के बाद मुझे शोज़ नहीं मिले तो चक्कर क्या है कि जब तक आप शोज़ नहीं मिलेंगे तो पैसा जब आप लगा रहे तो वापस भी आना चाहिए। तो फिर मुझे वो किसी ने बोला कि यार अगर शोज़ करने हैं तो भाई डांसिंग नंबर करने पड़ेंगे, उससे शोज़ मिलते हैं, उससे आप परफॉर्म करने जाते हो। तो फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। फिर मेरा बापू जिम्मेदार हिट हुआ, फिर लादेन हिट हुआ, फिर ऐसे बहुत सारे गाने आए, फिर निकले करंट हिट हुआ। तो मतलब ये ऐसे गाने थे जिसके साथ शोज़, तो अभी मेरे पास इतना कैटलॉग है कि मैं शो कर सकता हूँ। तो अभी मुझे ये टेंशन नहीं बची है कि हाँ, सो अभी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं हर तरीके का गाना कर सकूँ, हर तरीके की ऑडियंस का गाना कर सकूँ और वैसी चीज़ें भी कर सकूँ जो मेरे दिल को बहुत अच्छी लगती हैं। जो क्योंकि हर बंदे का अपना म्यूज़िक टेस्ट अलग है और ये मेरा म्यूज़िक टेस्ट अगर ऐसा है तो ऐसे और जो मेरे म्यूज़िक टेस्ट के लोग हैं उनके लिए ये गाना बनाया है। और निकले करंट बनाया था ऐसे लोगों के लिए जो पार्टी करने पसंद करते हैं। तो मतलब हर सोच के बनाते हैं ऐसा गाना कि हर उस ऑडियंस तक पहुंचे जो जिनका टेस्ट है। पर्सनली अगर आपकी अगर बात करिए तो आपका मतलब आप किस तरीके के गाने को पसंद करते हैं? मैं जो सबसे ज़्यादा जो मैं गाने में आपको मज़ा आता है, मैं मेलोडीज़ पसंद करता हूँ। और मेलोडी क्या होती है कि ज़रूरी नहीं कि सैड सॉन्ग में हो, वो किसी बीट गाने में भी हो सकती है। वो स्पेशली ज़्यादातर जितने भी मेरे गाने अगर आप सुनोगे उसमें कहीं ना कहीं एक मेलोडी का टच हमेशा रहता है, उस पर एक ऐसी चीज़ रहती है कि जो आपको गुनगुनाने पे मजबूर कर देती है कि आप वो साथ में थोड़ा गुनगुनाता रहते हो गाना। तो मेरी ट्राई यही रहती है कि मैं ऐसा गाना बनाऊं जो आप लोग भी साथ में गा सको और जब आप सुनो तो गुनगुनाओ, तो ये मेरी कोशिश रहती है। और अगर वैसे म्यूज़िक सुनने में अगर पूछा जाए तो मुझे सैड रोमांटिक गाने बहुत अच्छे लगते हैं और जैसा मैंने ये गाना बनाया है ऐसी मेलोडीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड भाजी, इसी के साथ में अगर गाने की अगर बात करिए, आई लव की अगर बात करें तो किस तरीके से गाना हुआ, किस तरीके से पहुंचा एंड किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई? ये गाना, इस गाने के जो वीडियो डायरेक्टर हैं उस नवजीत बुट्टर, उनकी तरफ से मुझे पहुँचा। और आज मैं बहुत बार भूल जाता हूँ ये स्टोरी बताने क्योंकि कई बार पूछते नहीं है इंटरव्यूज़ में। तो ये नवजीत बुट्टर और सनी विक का म्यूज़िक है। सनी विक दो बंदे हैं, सनी एंड विकास, ये वो बंदे हैं जिन्होंने मेरे पहले शो पे कीबोर्ड बजाया था, मेरे म्यूजिशियंस थे ये। तो इन्होंने, ये वो लड़के हैं जो वहाँ से शुरू हुआ। नवजीत बुट्टर वो है जो मेरी पहली एल्बम के फ़ोटोशूट के लिए मुझे मिलने आया था और वहाँ से हमारी दोस्ती हुई। मैंने इसके साथ अपनी पहली एल्बम का एक वीडियो भी किया और उसके बाद ये हिट हो गए। और पहले ये टीम में काम करते थे, अभी ये अलग अलग काम करना शुरू करते, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा बंदा है रविंदर खैरा, जो आज के टाइम पर जिसने फ़िलहाल शूट की है, जिसने मैक्सिमम बहुत सारी वीडियो शूट की है, उसने ना गोरी है, निकले करंट भी उसने शूट किया, गिटार सिकदा भी। मतलब मैं उसके साथ काम कर रहा था, नवजीत के साथ कभी मौका नहीं मिला था काम करने का। तो ये दो ऐसे लोग हैं जो उस टाइम से मेरे साथ में है जब मैंने स्टार्ट किया था। तो ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए। तो वो नवजीत मेरे पास ये गाना लेके आया कि सनी विक ने, उन लोगों ने गाना बनाया। तो मुझे पहले, मैं सनी विक को मुझे पता चला कि म्यूज़िक करना शुरू कर दिया इस गाने से। तो फिर मैंने देखा उन्होंने म्यूज़िक बहुत अच्छा किया हुआ था, फिर उन्होंने स्पेशल गाना मेरे लिए बनाया था, ये राज ने लिखा हुआ है, राज फतेहपुर ने। तो फिर ये गाना हमने रेडी किया तो इसमें फील ऐसी आनी शुरू होगी। तो मुझे लगा कि यार ये बेस्ट गाना, अभी इसी की वीडियो करनी। तो हमने इसके कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया। तो फिर गाने के कॉन्सेप्ट पे जब काम करना शुरू किया तो सोचा कि इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो इस गाने के जो लिरिक्स हैं उनको जस्टिफाई करता हो, उनको दिखाता हो कि ये मतलब है गाने का। क्योंकि गाना आज के टाइम पर जितना सुना जाता है उतना देखा भी जाता है, टीवी पर भी चलता है, यूट्यूब पर भी देखते हैं।
तो ये मेरी कोशिश थी कि ऐसे हो, तो ऐसे ऐसे गाना पहुंचा और ऐसे ऐसे हमने प्लान किया और फाइनली अभी रिलीज़ किया है और मज़ा आ रहा है जब लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। भाई इसके साथ में जिस तरीके से हम देखते हैं गाने को, मतलब गाना ना एक इमोशंस को दिखा रहा है जी। एक लड़का है वो सैर पर है, वो घूम रहा है और फिर उसको चीज़ें याद आ रही हैं जिस तरीके से हमने जी, तो वो कितना इमोशनल आपके लिए था ये सारा का सारा ये पिक्चराइज करना, उसमें एक्ट करना? कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। ये पहले दिन से हमें फील था कि अगर ये तरीके से शूट हो गया, अगर ये इस तरीके से शूट हो गया तो ये इमोशनल तो होगा ही। बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल चीज़ थी जब वो बच्चे से वो एक्टिंग करवा रहे थे, तो वो मेरे लिए थोड़ी देखने में मुझे थोड़ा ऐसे लग रहा था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई, ऐसा ना हो, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर बच्चे से एक्टिंग करवा रहे तो इसलिए मुझे ज़्यादा हो रहा था उस टाइम पे, मुझे थोड़ा सा फील हुआ इमोशनल। बट फिर मैंने सोचा ये काम है, अभी अगर वीडियो बनानी है तो हर बंदा अपना काम कर रहा है, वो भी अपना काम कर रहा है, मैंने अपना काम किया है, वीडियो डायरेक्टर अपना काम कर रहा है, तो अगर फिर ऐसे थोड़ा सा माइंड सेट किया तो। बट अभी मैं बड़ा खुश हूँ और सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, स्पेशली वीडियो डायरेक्टर ने और सब ने मतलब अच्छा काम किया। ओके भाई, इसी के साथ में जिस तरीके से हम देखते हैं कि बाइक पे आप राइड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वाघा बॉर्डर पूरा वो आप देख रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस है वहाँ पे शूट? वाघा बॉर्डर तो है नहीं उसमें, नहीं नहीं सॉरी वो जो लद्दाख का है। हाँ जी लद्दाख का। हाँ जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या कहना चाहेंगे? लद्दाख में हमने शूट किया है, लद्दाख मुझे मैंने अभी आज तक गानों में ही देखा था, मेरा भी पहली बार था कि मैं पहली बार वहाँ पर जाके शूट कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आया। और स्पेशली जितना वो इस गाने में दिखा है इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अगर आप वहाँ पे घूमने जाओ और लाइव देखो आप, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि आप जाओ वहाँ पे घूम के आओ, देखो लद्दाख कैसा है। एंड इसी के साथ में कोई एक ऐसा है, कोई कॉम्प्लीमेंट जो आप हमारे साथ में आप शेयर करना चाहें जो आपको मिला हो उस गाने के दौरान? गाने का कॉम्प्लीमेंट को गाना मुझे सबने यही बोला है कि बहुत अच्छा गाना है और हर एक चीज़ बहुत अच्छी है, वीडियो अपनी तरफ से बड़ी अच्छी है और म्यूज़िक, सिंगिंग, लिरिक्स, हर चीज़ की मुझे अप्रिसिएशन मिली है, तो मैं बड़ा खुश हूँ। बहुत कम गाने होते हैं ऐसे जो हर तरीके से पूरे होते हैं, मतलब चाहे वीडियो हो चाहे लिरिक्स हो, ये पर्सनली मैं भी फील करता हूँ इस गाने के लिए, तो इसलिए बड़ा खुश हूँ मैं। इसी के बाद में अल्लाह के बाद की अगर बात करी है तो और क्या अपकमिंग गाने वाला है और क्या आपकी तरफ से? अपकमिंग अभी तो 4 दिन हुए हैं, अभी मैं सिर्फ इसे एंजॉय करना चाहता हूँ इसे अच्छे से प्रमोट करना चाहता हूँ। हाँ बट मेरी फिल्म आ रही है नेक्स्ट, बॉलीवुड में बॉलीवुड फिल्म आ रही है पंगा, जो कि 24 जैन को रिलीज़ होगी कंगना के साथ, और इसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है 24th या 23rd को एक दिन में, और फिर मिलते हैं ट्रेलर लॉन्च। एंड किस तरीके से नजर आएंगे इस पंगे की अगर बात करें? ट्रेलर पे देखना। लास्टली ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच, मैं बड़ा खुश हूँ कि आप मेरे काम को पसंद कर रहे हो, और जिन लोगों ने नहीं सुना जाके एक बार ज़रूर अल्लाह वे सुनिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग जब सुनोगे नाराज नहीं होगे, वो ऐसा म्यूज़िक है कि वो आज भी सुनोगे कल भी सुनोगे आपको उतना ही मज़ा देगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।